तो एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर ये अगर आप वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा कर देंगे अपनी तरफ, क्लियर वॉइस हो सर जाएगी सर। मैंने हाँ जी मैंने 100 पे किया हुआ था, मैंने 100 पे ओके किया सर, हुआ ठीक था। ठीक है सर। है, मेरे माइक में इशू इसलिए नहीं है ना कि ये काफ़ी जो है ना, एक तो ये है कि लोकल नहीं है, तो पोते मंगाया था स्पेशल इसी काम के लिए मंगवाया हुआ है, तो इसके जो ठीक है सीन सर, है वो बिल्कुल माउथ के आगे है, इसका माउथ के, इसका कोई इतना इशू नहीं। आप लोगों के नेक के साइड से अगर सही इशू हो सर। तो एक अलग। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया था, और किसी ने भी आना तो नहीं है? अच्छा, एक जो है ना सी आर जो है ना, तो आप लोग एक चीज़ देख लें कि यहाँ पे उनकी अटेंडेंस आप लोग लगा सकते हो, सी आर जो, अगर मुझे सुन रहे हो सी आर, इनकी अटेंडेंस का क्या करोगे आप लोग? सर यहाँ से स्क्रीनशॉट में रिकॉर्डिंग यहाँ से भी कर रहा हूँ अपनी तरफ से भी, तो ये स्क्रीनशॉट भी साथ साथ ले रहा हूँ जो ठीक ये है, बचे आ स्क्रीनशॉट रहे के हैं। साथ आप लेके ना, मैंने भी अपने तौर पे ठीक है बिट सर, तो लिए हैं सारे। ठीक है, तो जी सर, यस सर, जी उसमें मेरे पास तो 22 के पेज है, 22 या 23 ही हो गए, तो मैं भी साथ साथ लिख रहा जी हूँ, ठीक तो उसमें आप है भी सर, चेक, आप भी लिख लीजिएगा ताकि बाद में फिर हम लोग ना टैली कर सकें। सही है सर, सही है। ठीक है, ओके, और उसके रिकॉर्डिंग चल रही है, तो बाकी अगर किसी को बाद में रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो मिल सकते हैं। अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी व्हाट्सएप पे एक तो रिक्वेस्ट आई है, जब 5 मिनट वेट कर लें तो चलो 2-3 मिनट देख लेता, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जो कह रहे हैं अभी आ गए, इंटरनेट का इशू आ गया, 2-3 मिनट में देख लूँगी। ठीक है, तमाम लोगों को, ओके।
चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने भी आप लोगों को बताया कि कैलकुलस के अंदर हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर हम न्यूमेरिकल लगा के, वैसे तो न्यूमेरिकल की बहुत वास्ट वो एप्लीकेशन है, वैल्यू पे है, सिस्टम पे है, इक्वेशन पे है, सिस्टम पे है, डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन, उसके अलावा डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे वो पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होगा, आपके पास जो इक्वेशंस होंगी वो एक से ज़्यादा होगा, ठीक है, हम इस पर लगाएंगे इसमें सिस्टम। सिस्टम इसलिए स्टार्ट किया है कि आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़े होंगे, तो मैट्रिसेस को थोड़ा सा यूज़ करना आसान होता है, इसलिए मैं मैट्रिसेस से थोड़ा सा आसान शुरू करके उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ हम जाएँ। उसके बाद ये स्टार्ट कर लेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फिर उसके बाद डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। मेन तो हमारे यही तीन टॉपिक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे डिस्कस करना है, न्यूमेरिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पे डिस्कस करना है और सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे डिस्कस। ये तीन बेसिक बात, क्योंकि ये फंक्शन होता है, इक्वेशन बनती है, फिर सिस्टम बनता है, फिर उसका डेरिवेटिव बनता है, फिर ये। तो फिलहाल जो है वो हम सिस्टम पर, अब देखिए अब हमारा जो टॉपिक होगा, टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन ऑफ, टॉपिक हमारा क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, वन बाई वन इसमें देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर जैसे 2x + 3y + 5z = 10 आ गया, x - y - z = 11 आ गया। अब ये सिस्टम है, इसके अंदर क्या एक्स वाई जेड क्या अननोन है और इनकी पावर्स क्या आ रही है, 1 आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सिस्टम जिसके अंदर एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स की पावर 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। और सिस्टम क्या होते हैं, जिसके अंदर एक से ज़्यादा इक्वेशन का, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा इक्वेशन का, तो ये क्या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखें ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स आ गए किसी की। अब सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या चीज़ है, सोल्यूशन आपको पता ही है कि ये जो अननोन आते हैं, तो हमारा जो इसको सॉल्व जब हम करते हैं तो सॉल्व का मतलब क्या होता है कि ये जो अननोन आपके पास आ गए इनकी आपने वैल्यूज निकाली। अननोन कौन कौन सी हैं, एक्स वाई और जेड, इनकी आपने वैल्यूज निकाली और वो वैल्यूज निकाली है। सपोज करते हैं कि ये 1 आता है, इसका आंसर 2 आता है, इसका 3 आता है, तो हमने इसकी वो वैल्यूज निकाली जो हम इसके अंदर पुट करें तो इसको सेटिस्फाई करें, लेफ्ट और राइट क्या आ जाए, ये आंसर इक्वल आ जाए, तो वो हमारा क्या होता है, सोल्यूशन भी, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये एन नाउंस की वो वैल्यूज जो हम सिस्टम में पुट करें तो वो राइट साइड और लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, सेम करें, क्लियर होगी बात। ये तो हमारा सोल्यूशन है। अब बात ये भी होता है कि सिस्टम नॉन लीनियर होता है, लीनियर वो होता है जिसमें पावर क्या होती है, अननोन की पावर 1 होती है। बात अगर सिस्टम नॉन लीनियर होता है तो हम उसको भी नॉन लीनियर बना सकते हैं, जैसे 2x² + 5y² + z² = 11x² - y² - z² - 7z² = 30। ये भी हमारे पास एक सिस्टम पड़ता है, मतलब ये अब लीनियर नहीं, क्योंकि एक्स वाई जेड की पावर क्या आ रही है, 2 आ, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं, हम इसको लीनियर बना सकते हैं। हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या बन जाता है, यू बन जाता है, वाई स्क्वायर को हम ले लेते हैं डब्ल्यू वी ले लेते हैं, और जेड स्क्वायर को हम क्या ले लेते हैं, जब जब ये हम पुट करते हैं तो ये हमारे सिस्टम क्या बन जाता है, 2u + 5v + w = 11 और u - v - 7w = 30। तो अब ये जो सिस्टम बन रहा है, ये नए वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हुए, यू वी डब्ल्यू इस्तेमाल हुए और इसकी पावर्स क्या है, 1। तो जब यहाँ पे 1 पावर बन गई तो ये कौन सी हो जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्या था, ये नॉन लीनियर था, तो हमने इसको इसमें किसमें कन्वर्ट किया, लीनियर। तो लीनियर का जो हम फिर मेथड पढ़ेंगे तो हम उसको इसके अंदर इस्तेमाल करें, तो ये हमारा प्रोसेस है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के तो और तो काफ़ी तरीके हैं, जैसे x + 4y + 3z = -2 है, और यहाँ पर मेरे पास है x + 3y + 4z = 1। ये मेरे पास एक सिस्टम है। अब इसको सिस्टम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, एक तो ये है कि मैं इसको इक्वेशन 1 कर दूँ, इसको इक्वेशन 2 कर दूँ, इसको इक्वेशन 3 कर दूँ। इक्वेशन 1 से मैं एक्स एलिमिनेशन मेथड इसको कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें यहाँ से एक्स की, ठीक है, इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी y - 4 - 3y - 8z, उसको फिर बाकी दो में पुट कर दें, फिर
दोनों में चुप रहेंगे तो वो जब हम इसके अंदर पुट करेंगे, आई रिपीट, यहाँ से जब हम x की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास जो सिस्टम बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा, 7y + 8z = 3 और y - z = 2 इस तरह का बन जाएगा। उसमें से x क्या हो जाएगा, इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहले से x की वैल्यू निकाली, वो इसमें पुट करती, जाहिर बात है x की जगह पुट करेंगे y और z, तो ये सारी इक्वेशन y z में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी y z में बन जाएगी, तो ये दो इक्वेशन हमारे पास कितनी आएंगी, y z। तो जब दो वाली आ जाएगी, फिर वही तीका करें, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लें और इसको उठा के इसमें पुट कर दें, तो ये किसमें बन जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर z की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, y निकल आएगा, y इसमें पुट कर देंगे, तो x इसको हम इलिमिनेशन में। और भी काफ़ी मेथड है जिनके इन पहले इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के कोफिशिएंट्स चेंज करके, और स्क्वायर कंप्यूटिंग भी है और काफ़ी चीज़ें हैं। दूसरा एक हम सहारा लेते हैं लैग्रेंज सिस्टम। जैसे आपको याद होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे हम एक क्रामर रूल भी लगाते हैं, ये मैथ की चीज़ है, क्रामर रूल भी लगाते हैं। एक हम क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला मेथड है, हम वो भी लगा लेते हैं। फिर लीनियर जबे में आप लोग पढ़ रहे होंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम वो भी लगाते हैं इसके ऊपर। फिर एक और मेथड होता है, दैट वन इज गॉस जॉर्डन मेथड। यदि आपको लीनियर जबे में करा दिया होगा तो गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, ये चार मेथड ऐसे हैं जो हम उसमें लीनियर जबे में पढ़ेंगे, और ये दो तो वैसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं मैथिक में या एफ एस सी में। तो हम ये सॉल्व करके इस सिस्टम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। मगर जहाँ पे ये सारे एक्चुअल मेथड है, ये सारे क्या एक्चुअल मेथड, जहाँ पे एक्चुअल फेल हो जाएंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, न्यूमेरिकल मेथड। तो अब आप लोगों ने एक काम तो ये करना है कि जो मैट्रिसेस है वो आप लोग दोबारा से पढ़ लें, ठीक है, एक रिवाइज कर लीजिएगा, बुक्स आपके पास नेट से भी देख सकते हैं, आगे किसी भी मैट्रिसेस इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो वो सारा करके आप क्रामर रूल और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी को आप क्या करें, सॉल्व, ठीक है, इसको यूज करके आप इसका सिस्टम को सॉल्व करने का तरीका पढ़ लीजिएगा। और लीनियर जब में जो टीचर गॉस एलिमिनेशन या जॉर्डन पढ़ा रहे, तो उसके थ्रू भी आप इस सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करें, यहाँ तक कोई इशू है तो डिस्कस करेंगे। सर ये एलिमिनेशन मेथड या ये वाला थोड़ा रिवाइज कर दे सर। बेटा ये रिवाइज इसलिए हम कहेंगे, ये 8th क्लास की चीज है, पेपर में ना हमने ये पढ़नी है, हमने तो इसे एडवांस पढ़ना है, तो ये इतना वो नहीं, ठीक है। ये जब आपको मैं वो दूंगा क्या कहते हैं इसके रिकॉर्डिंग दूंगा, तो उसमें आप बता देंगे, ठीक है, रिपीट वाला टाइम यहाँ पे शॉर्ट है। क्वेश्चन कोई और है तो क्योंकि एडवाइस का टाइम नहीं होता है। एक तो ये है कि मीटिंग ये 40 मिनट्स की मीटिंग होती है जूम की, उसमें फिर 10 मिनट आप लोग लेट आते हैं, 10 से 15 मिनट, तो फिर उसके बाद टाइम नहीं बचता, ठीक है, रिवाइज का। तो रिकॉर्डिंग दे दूंगा तो उसमें आप देखिए। अच्छा जी, अब सिस्टम में थोड़ा सा और चलते हैं। अब सिस्टम होते हैं हमारे पास थ्री टाइप्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है थ्री टाइप्स। नंबर वन के, अब देखें अभी मैंने आपको बताया था कि 2x + 3y + 4z = 11 आ गया, x - y - z = 12 आ गया, x + 7y - 9z = 13। फिर कहीं मैंने थ्री का सिस्टम किया। अच्छा, बात दफ़ा ये होता है, अगर आपको वो 100 इक्वेशन, चले मैं थोड़ा सा और समझा दूँ, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, थ्री वेरिएबल्स हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अगर फर्स्ट करें 26 आपको इक्वेशन दे दी जाए, तो जाहिर तो उसमें हम क्या करेंगे, 2a + 3b + 5c इस तरह के इक्वेशन इस्तेमाल करके z तक आ, ठीक है, तो कितनी इक्वेशन हो जाएंगी, 26 इक्वेशन हो जाएंगी और 26 ही वेरिएबल्स हो जाएंगे। मगर अगर आपको वो ये कह दें कि आपके पास 50 इक्वेशन है और 50 अननोन है, अननोन कितने हैं, वो भी 50 हैं, तो आप उनको क्या नाम दोगे, नाम नहीं दे सकते। ए बी सी से अगर आप शुरू करते हैं तो ए बी सी से लेकर जेड तक तो दे सकते हैं, ठीक है, मगर बाकी नाम नहीं दे सकते। तो हम ऐसे केस में फिर क्या करते हैं, ये एक्स वाई जेड की जगह पे कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है कि 2x1 + 3y1 + 4z1 = 11
और x1 माइनस y1 माइनस z1 इक्वल टू 12 और x1 प्लस 7y1 माइनस 9z1 इक्वल टू 13, यानी कि ये वेरिएबल्स किसमें ले जाते हैं, x1 y1 z1 में ले जाते हैं, और बाद दफा यहाँ पे x1 इसको x2 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, x3 कर देते हैं। तो ये x1 x2 x3 की शक्ल में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि बाद में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो हमें ज़्यादा इक्वेशन की जरूरत पड़े तो हम उसमें फिर उनके हिसाब से जो ये नीचे इंडेक्स है हम उसको यूज़ करें। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तीन किस्में होती हैं। इसमें देखें एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स वाई जेड अननोन है और इक्वेशन कितनी है आपकी, तीन इक्वेशन। अब यहाँ पर ये होता है कि ये भी हो सकते हैं कि अननोन जो है, ठीक है, वेरिएबल जो है वो ज़्यादा हो जाए और इक्वेशंस क्या हो गए, कम हो गए, अननोन आर ग्रेटर देन इक्वेशंस। जैसे देखें 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू 7, x माइनस y माइनस z इक्वल टू 11। ये मेरे पास क्या एक सिस्टम है, मगर इसके अंदर अननोन्स कितने हैं, तीन है, अननोन्स क्या है, थ्री, और जो इक्वेशन है वो कितनी है, वो टू इक्वेशन, फर्स्ट ये है सेकेंड ये। तो अननोन्स क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, इक्वेशंस क्या हो गए, कम। तो ऐसा भी सिस्टम हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अननोन जो है, जिसको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, अननोन कम हो, इक्वेशन ज़्यादा हो। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, x प्लस y इक्वल टू 7 और 10x माइनस 11y इक्वल टू 100। अब ये आपके देखिए सिस्टम है, मगर इसके अंदर अननोन कितने हैं, 2 है, मगर इक्वेशन कितनी हैं, वो ज़्यादा है। तो ऐसा भी केस हो सकता है कि अननोन लेस हो और इक्वेशन क्या हो, ज़्यादा। तीसरा ये भी हो सकता है कि अननोन जो है, ठीक है, इक्वल हो गए इक्वेशन, अननोन्स किसके इक्वल हो गए, इक्वेशन के। जैसे ये मैंने एग्जांपल दी थी, ये वाली एग्जांपल कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 11, x माइनस y माइनस z इक्वल टू 12 और x प्लस 7y माइनस 9z इक्वल टू 13। तो ये सिस्टम है जिसमें 3 अननोन्स हैं और 3 ही इक्वेशन। तो ये हमारे पास जो इस तरीके से तीन केस है, पहला केस क्या अननोन बहुत ज़्यादा हो, इक्वेशंस कम हो, दूसरा क्या अननोन्स कम हो, इक्वेशंस ज़्यादा हो, और तीसरा क्या अननोन्स किसके इक्वल आ गए, इक्वेशंस के इक्वल। तो ये हमारे पास तीन किस्म के लोग, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को क्योंकि मैंने अभी कहा है कि हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कि ये वाला जो भी मैंने बताया था कि एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन वगैरह कुछ हो गए, मैट्रिसेस में हम लोग कौन से मेथड पढ़ चुके हैं, ग्रामर रूल पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन और जो ये तो चार मेथड, ठीक है, ये वाले चार मेथड ये हमारे जो लगते हैं, या ग्रामर रूल जो आप लोगों ने एसएससी में पढ़े या मैट्रिक में पढ़े, वो हमारे लगते हैं इस वाले के, जहाँ पे अननोन जो है वो किसके इक्वल होकर इक्वेशन। तो इसलिए मैं भी इसी पे फोकस करूँगा, ये भी मैं नहीं पढ़ाऊँगा और ये भी पढ़ाऊँगा, इसके भी मेथड होते हैं, मगर हमारा काम जो वो लीनियर अलजेब्रा का नहीं, हमारा काम है ग्रामर का, इसलिए हम इसको स्टॉप। तो यहाँ पे एक्चुअल मेथड जो है ये वो वाला केस होगा जिसमें नंबर ऑफ अननोन जो होंगे वो नंबर ऑफ इक्वेशंस के इक्वल हो, हम वो वाला केस डिस्कस करें, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स प्लस 3y प्लस 8z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू माइनस 2 और एक्स प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 1। ये वाला सिस्टम देखें, इसके अंदर अननोन जो है वो इक्वेशंस के इक्वल, ठीक है। ये अब हम इस तरह का केस करेंगे जिसके अंदर अननोन और इक्वेशंस क्या होंगी, सेम, हम ऐसी इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई? नो सर, नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं तो उनका नाम मैं नीचे लिख रहा हूँ, जो भी नया आता है तो उसका नाम लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आगे चलते हैं। ग्रामर मैंने कहा कि आप लोगों ने खुद स्टडी कर लीजिएगा, ग्रामर के बाद आप लोग जो हैं, अच्छा अभी इसका टाइम शॉर्ट हो गया जी, फिर हम जल्दी से कर लेंगे ग्रामर है, फिर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सिस्टम कौन सा होगा जिसमें अननोन और इक्वेशंस क्या होंगी, इक्वल है, एलिमिनेशन और जॉर्डन जो आप अलजेब्रा में पढ़ गए होंगे, एलिमिनेशन एंड जॉर्डन। एक और मेथड होता है, अब वो लीनियर अलजेब्रा वाले तो पढ़ाते नहीं है, वो फिर मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, वो होता है एल यू बी कोएफिशिएंट। इसका मैं एक रफली आइडिया अभी देखो तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को, तो कोई भी सिस्टम अगर आपका होगा, कोई भी आपका सिस्टम होगा तो कोई भी आपके पास जो सिस्टम होगा उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, एल यू बी कंपोजिशन।
इसको हम LU कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम LU ट्राइड एंगुलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है, LU डीकम्पोजिशन, LU कैपिटलाइजेशन या LU ट्राइड एंगुलराइजेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि L का मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कैसा मतलब होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और जो U होता है ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी वजह से हम इसको ट्रायंगुलर मेथड भी कहते हैं। तो ये होता है लोअर और ये होता है अपर। इसके अंदर ये होता है, हम इसके अंदर ये करते हैं कि इसके अंदर ये जो मेथड है इसके अंदर थ्री स्टेप, स्टेप वन, अभी क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम स्टेप वन ही करेंगे और स्टेप टू और स्टेप थ्री का हिंट दूंगा, कर लीजिएगा नहीं तो फिर हम कल मेरे क्लास में करेंगे। स्टेप वन ये है कि हम ए को पुट करते हैं एल यू के। अब ये तो आपको पता ही है ना कि ये अगर सिस्टम है तो इसके अंदर ए किसके इक्वल होगा, वन थ्री एट, उसका तो पता ही है, ये भी नहीं पता आपको, हाँ जी ये तो पता है ना, क्यों बच्चों इसका तो आइडिया है ना, और बी का भी पता होगा वो क्या होता है 4-2 1 के इक्वल, ठीक है, ऐसा ही है ना। अच्छा अब इसमें पहला स्टेप ये होता है कि ए को हमने किसके इक्वल रखना है, एल यू के इक्वल, ठीक है, एल क्या चीज है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यू आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, तीन स्टेप होते हैं इसके, निकालना हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाल, ठीक है, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली और ये एक्चुअल मेथड है, न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट नहीं किया। ए को हमने किसके इक्वल रखा, एल यू के। दूसरा हम ये करते हैं कि एल वाई इक्वल टू बी ले, जब हम ये स्टेप करते हैं ये वाला ए इक्वल टू एल यू वाला, तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलती है, एक एल की वैल्यू भी मिल जाती है और एक यू की वैल्यू भी मिल जाती है, फिर हम इसको आगे जाके यूज करते हैं, और ये भी मैं बता कल ही बताऊँगा, अभी तो टाइम शॉर्ट है तो कल बताऊँगा कि हम एल यू करके भी ये चीज़ें कैसे। स्टेप थ्री जो होगा, स्टेप थ्री में आपने ये करना है कि यू एक्स को किसके इक्वल रख देना है, वाई की, निकालना आपने क्या एक्स निकालना है जो कि किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड के इक्वल, आपने एक्स निकालना, ठीक है, तो एक्स इसमें आ गया तीसरे स्टेप, इसलिए यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। उससे पहले हमें दो स्टेप करने पड़ेंगे क्योंकि ये एक्स निकालने के लिए हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, यू की भी और वाई की। वाई कहाँ से मिलेगा, सेकेंड स्टेप से होगा, और वाई में क्या क्या चीज़ चाहिए, बी और एल चाहिए, बी तो आपको सिस्टम से मिल जाएगा, ठीक है। अब L कहाँ से मिलेगा, मैंने पहले स्टेप में बताया कि पहले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, L भी मिलेगा और U भी मिलेगा, L आप यहाँ पे पुट करेंगे, U आप यहाँ पे, तो ये हमारा कहलाता है LU फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आप बता, ठीक है। अब LU डीकंपोजिशन में ये मैं क्वेश्चन है कि यहाँ पे उतार देता हूँ एक्सप्लेन, और इसको आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है, डिफरेंट उसके जो प्रॉब्लम होगा वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन लास्ट में तय कीजिए। अब इसमें इसके अंदर एल यू के अंदर एल यू डी कम्पोजिशन के अंदर एल यू डी कम्पोजिशन के अंदर तीन मेथड होते हैं, एक होता है डोलिटन, दूसरा होता है क्राउस, और तीसरा होता है कोलेस। ये तीन मेथड होते हैं एल यू डी कम्पोजिशन में, तीन मेथड है, एक डोलिटल, एक क्राउस और कोलेसी। स्कीम तीनों की एक ही, यानी कि स्टेप तीन, पहला क्या होगा ए इक्वल टू एल यू, दूसरा क्या होगा एल वाई इक्वल टू, दूसरा जो होगा वो एल वाई इक्वल टू बी, और तीसरा क्या होगा यू एक्स इज इक्वल टू वन। अब इसको करना कैसे है वो जरा देख, ठीक है, इसको जरा देख लें कि हमने करना क्या। हमने एल अपनी तरफ से बनाया, एल का मतलब क्या है, लोअर ट्रायंगल, डायगोनल मैट्रिक्स का पता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल वो होता है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये आपका क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपका क्या है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में ये डायगोनल, तो इसके नीचे ये अगर ट्रायंगल बने तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के, और अगर ये वाली ट्रायंगल बने तो ये अपर ट्रायंगुलर। अब देखें एल जो होगा हमारा इस तरह का होता है, जैसे 1 2 3 5 6 7 ऊपर 0 लगा दे। अब ये देखें ये डायगोनल है और इसके एलिमेंट जो नीचे बने, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं लोअर ट्रायंगल, और ये वाला जो डायगोनल, तो लोअर ट्रायंगल में क्या होता है, नीचे नंबर होते हैं मतलब ऊपर क्या होते हैं जीरो। यू में हम क्या लेंगे,
एक ऊपर नंबर ले लेंगे ठीक है और नीचे जीरो ले लेंगे। अब ये देखिए ये ट्रायंगल ऊपर बन ठीक है तो ये अपर ट्रायंगल तक। अब चूंकि हमें पता नहीं है तो हम एल जो लेंगे अपनी मर्जी से तो हम ये ले लेंगे। अब लोअर ट्रायंगलर है तो लोअर ट्रायंगलर में क्या होगा एल वन वन जीरो जीरो एल टू वन एल टू टू पोजिशन के हिसाब से एल एल की वजह से क्या है और वन वन पोजिशन ये टू वन पोजिशन ये टू टू पोजिशन ये इस तरीके से मैंने इसको लिखा ठीक हो गया। और U जो लेंगे वो हम ले लेते हैं यू वन वन यू वन टू यू वन थ्री और जीरो यू टू टू यू टू थ्री और जीरो जीरो यू थ्री। तो हमने एक L ले लिया और एक हमने U ले ठीक हो गया। अब देखिए ये ट्रायंगुलर ये बन गया और ये हमें पता नहीं है कि एलिमेंट ये एलिमेंट्स की क्या वैल्यू है। ये हमने वैल्यूज निकालनी है इस टाइप इक्वल टू एल यू जब पुट करेंगे उसमें हम एल और यू को रखेंगे तो वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे देखिए अब ए किसके इक्वल हमने रखना है एल यू के इक्वल रखना है। अब ए किसके इक्वल है ए किसके इक्वल है वन थ्री एट वन फोर थ्री वन थ्री फोर ए किसके इक्वल है ठीक है। और एल किसके इक्वल है ये बेटा माइक अतीक शहजाद माइक बंद करो बेटा। अच्छा यहाँ पे देखें अब ए हमने इसके इक्वल रखे है अब यहाँ पे एल भी आ रहा है यू भी आ रहा है। अब ये कितने एलिमेंट है नाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। जब ये इक्वल होंगे तो यहाँ पे भी नाइन होने चाहिए मगर यहाँ पे कितने आगे देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ये और सिक्स ये है तो ये तो ट्वेल्व हो जाएंगे। तो हम यहाँ से वैल्यूज नहीं निकालते तो हम इसको क्या करते हैं इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हम ये करते हैं फिलहाल अभी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोग इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकें तो फिर बाकी मेकअप क्लास रखेंगे तो उसमें देखें। तो हम ये करते हैं कि इसमें मैं एल के अंदर ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है मैं इसको वन वन कर दे डायगोनल में मैं क्या करेगा वन कर। अब देखें टोटल एलिमेंट्स कितने बन गए ये तो बन गए तो हमें पता लग गए तीन ये हो गए वन टू थ्री और सिक्स ये हो गए नाइन हो गए। हमने इसको किसके इक्वल रखना है ए के तो वहाँ पे भी नाइन है तो ये हम इजीली कर सकते। अब जरा देखिएगा अब एल हमने क्या किया वन जीरो जीरो एल टू वन वन जीरो और ये क्या एल थ्री वन एल थ्री टू और वन और यू क्या था आपका जो हमने लिया यू वन वन यू वन टू यू वन थ्री जीरो यू टू टू या मैं लिख लेता यू वन वन यू वन टू यू वन थ्री जीरो यू टू टू यू टू थ्री और जीरो जीरो जीरो। ये अब हमने क्या पहले स्टेप किया ए इक्वल टू एल यू एल की वैल्यू रख दी यू की वैल्यू रख दी ठीक है। और एल में हमने ये वन कर क्योंकि हमने टोटल नाइन एलिमेंट बनाने थे ये सिक्स है ठीक है ये सिक्स हो गए और तीन गए नाइन नाइन बनाने के लिए हमने इसको वन कर। अब सवाल ये है कि यहाँ पे भी वन किया जा सकता है बल्कि यहाँ पे भी वन कर सकते हैं वो हम बाद में ठीक है। अच्छा अब ये आपने क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है एल और वाई एल और यू है इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है ठीक है। अब जरा मल्टीप्लाई अब मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो रोज कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये यू वन वन आ जाएगा ये सेकंड से मल्टीप्लाई होगा तो ये यू वन टू आ जाएगा ये यू वन थ्री आ जाएगा सेकंड को देंगे तो एल टू वन यू वन वन आ जाएगा सेकंड को उसके साथ देंगे तो एल टू वन यू वन टू प्लस यू टू टू आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे सिक्स पोजिशन पे नंबर आ और लेफ्ट साइड पे क्या है वन थ्री एट वन फोर थ्री और वन थ्री फोर ठीक है। अच्छा ये मीटिंग अभी ख़त्म हो जाएगी तो ये जो काम मैं दे रहा हूँ ए इक्वल टू एल यू तो आप डिफरेंट उसमें करके इसको कोशिश कीजिएगा कंप्लीट करें। अच्छा जब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनकी पोजिशनें भी इक्वल हो जाएंगी तो यू वन वन किसके इक्वल आ जाएगा वन के इक्वल आ जाएगा यू वन टू किसके इक्वल आ जाएगा थ्री के इक्वल आ जाएगा यू वन थ्री किसके इक्वल आ जाएगा एट के इक्वल आ जाएगा। ये जो एल टू वन यू वन वन है ये किसके इक्वल आएगा वन के इक्वल आ जाएगा तो यू वन वन की वैल्यू निकल चुकी है तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी एल टू वन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको एल के एलिमेंट्स भी सारे मिल जाएंगे ठीक है एल वाले भी मिल जाएंगे और यू वाले तो एल और यू आपको यहाँ से इस स्टेप से मिल ठीक हो गया।